हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल सीरीज। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आपका प्रिंटर भी जाम हो गया है, आपके प्रिंटर का हेड चल नहीं रहा है और आपको रेड लाइट दिखा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रिंटर को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, जैसा आपको इस वीडियो में शो हो रहा है, जैसे हम अपने प्रिंटर को ऑन करते हैं तो आपको रेड कलर की लाइट शो होने लगती है, वन बाय वन आपको लाइटें शो हो रही हैं। ना ही आपके प्रिंटर प्रिंट करेगा और ना ही इसका हेड चलेगा, तो ये आपको एक के बाद एक आपको लाइटें शो। देखिए, आपका जो प्रिंटर का हेड है वो भी पूरी तरीके से जाम हो चुका है, और जैसे ही आप इसको थोड़ा अगर हाथ से इसमें फोर्स लगाएंगे और इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ये खींचेगा भी नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से जाम हो चुका है। आप ज़्यादा बल इस पर नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये टूट भी सकता है। और सबसे पहले आप करिएगा क्या, आप अपनी जो बेल्ट वगैरह हैं इनको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। बात चलते हैं अपन दूसरे प्रोसेस पे, जिसको है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। चलिए अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। जैसे आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर की मदद से ही आप अपने प्रिंटर को स्टार्ट करेंगे। चलिए, हमने ओपन किया है, इसमें सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इस सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने मॉडल नंबर चूज़ कर लेना है। मेरा 380 है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको USB चूज करना है और प्रिंटर आपको जोड़े रखना है, कंप्यूटर से अटैच करके रखना है। उसके बाद आपको नीचे पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड पे आपको जाना है। जैसे आप यहाँ जाएंगे, नीचे आप देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आपको वेस्ट लिंक पैड काउंटर का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसको चुन के आगे बढ़ जाना है, आपको मैन पैड पे क्लिक कर देना है और आपको चेक पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर आपको प्रोसेसिंग करके उठा लेगा। ये देखिए 100% आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आपको करना कुछ नहीं है, मैन पे दोबारा क्लिक करना है और इसको नीचे इंस्टलाइज क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज देगा, इस मैसेज को आपको ओके कर देना है। करने के बाद ये प्रोसेस आपका पूरा हो चुका है, वो रिस्टार्ट करना है अपने प्रिंटर को। जैसे रिस्टार्ट कर सकते हैं, हम अपने प्रिंटर पे आ गए हैं, अब इसको रिस्टार्ट करेंगे। हमें प्रिंटर को रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद देखिए, ये दोबारा से रिस्टार्ट हो रहा है। हम इसको खोल कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए, आपका हेड भी प्रॉपर मूव कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं, हेड भी आपका प्रॉपर मूव कर रहा है। तो ये जो आपकी लाइट थी, ये भी अभी शो नहीं एक्टिव है, ये अभी भी ऑफ हो चुकी है। किसी तरह के आपके प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक फोटोकॉपी करोगे, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं लाइफ में फोटोकॉपी, जैसे हम करके देखते हैं तो इसमें प्रॉपर आपका प्रिंटर वर्किंग में है, फोटोकॉपी भी आपका कर रहा है। तो देखिए, इसी तरीके से आप अपने प्रिंटर की जो भी समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो समस्या आती है, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम से ही आती है, आपके कम ही की वजह से ही है। प्रिंटर आपका सही वर्किंग में नहीं था, तो सॉफ्टवेयर की वजह से ये प्रॉब्लम करता है। उम्मीद है जानकारी हमारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।